मेरे परिवारजनों, उत्तराखंड के हर गांव में देश के रक्षक हैं। यहां की वीर माताओं ने वीर पुत्रों को जन्म दिया है जो मेरे देश की रक्षा कर रहे हैं। वन रैंक वन पेंशन की उनकी दशकों पुरानी मांग को हमारी ही सरकार ने पूरा किया। अब तक वन रैंक वन पेंशन के तहत 70,000 करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा हमारी सरकार ने पूर्व सैनिकों को दिए हैं। इसका लाभ उत्तराखंड के भी 75,000 से ज्यादा पूर्व सैनिकों के परिवारों को मिला है। हमारी सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता बॉर्डर एरियाज में विकास की भी है। आज बॉर्डर एरियाज में सुविधाओं का निर्माण बहुत तेज गति से हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आपकी क्या गलती थी, ये काम पहले की सरकारों ने क्यों नहीं किया। गलती आपकी नहीं थी, पहले की सरकारों ने इस डर से बॉर्डर एरिया का विकास नहीं किया कि कहीं दुश्मन इसका फायदा उठाकर अंदर ना आ जाए। बताइए क्या तर्क देते थे। आज का नया भारत पहले की सरकारों की डरी हुई सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। न हम डरते हैं न हम डराते हैं। भारत की पूरी सीमा, उस पर हम आधुनिक सड़कें बना रहे हैं, सुरंगें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। बीते 9 वर्षों में सिर्फ बॉर्डर एरियाज में ही 4,200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें बनाई गई है। हमने बॉर्डर के किनारे करीब 250 बड़े पुल और 22 सुरंगें भी बनाई हैं। आज भी इस कार्यक्रम में अनेक नए पुलों के लिए शिलान्यास हुआ है। अब तो हम बॉर्डर तक ट्रेनों को भी लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं। इस बदली हुई सोच का लाभ उत्तराखंड को भी मिलने जा रहा है। मेरे परिवारजनों, पहले सीमावर्ती क्षेत्रों को, सीमावर्ती गांवों को देश का अंतिम गांव माना जाता था। जो अंतिम है, विकास के मामले में उसका नंबर भी आखिर में ही आता था। ये भी एक पुरानी सोच थी। हमने सीमावर्ती गांवों को अंतिम नहीं बल्कि देश के पहले गांव के रूप में विकसित करना शुरू किया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत ऐसे ही सीमावर्ती गांवों का विकास किया जा रहा है। हमारी कोशिश यही है कि यहां से जो लोग पलायन करके गए हैं वो फिर लौट के आ जाएं। हम चाहते हैं इन गांवों में पर्यटन बढ़े, तीर्थ यात्रा का विस्तार हो।